नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोय सिंह। शुरुआत करते इस वक्त के बुलेटिन की। पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूपी सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए यूपी पुलिस को चाक चौबंद व्यवस्था करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक संवेदनशील स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मस्जिदों के आसपास चौकसी बढ़ाई गई है। इसके अलावा जुमे की नमाज के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भी लगाई गई है। अमेठी में प्रधानमंत्री क्षय रोग मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती स्मृति ईरानी और अन्य पदाधिकारियों ने क्षय रोग के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए क्षय रोग से ग्रसित कुल 559 रोगियों को गोद लिया, जिसके तहत रोगियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पोषण सामग्री किट प्रदान की गई। यह किट रोगियों के उपचार पूर्ण होने तक हर महीने उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर राम प्रसाद ने वहां मौजूद लोगों से अपील किया कि जिनको भी 2 सप्ताह से खांसी, बुखार और इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जाँच करा सकते हैं। अगली खबर कुशीनगर से है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक 2 दिवसीय कार्यक्रम के सिलसिले में कुशीनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिले के सभी जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी डिप्टी सीएम के स्वागत में मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा को 15 महीने बाद स्थायी कुलपति मिल गया है। प्रोफेसर आशु रानी को आगरा यूनिवर्सिटी का नया कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर आशु रानी विवि की पहली पूर्णकालिक महिला कुलपति होंगी। वह 3 साल विवि की कुलपति के पद पर रहेंगी। वह कोटा विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री एंड डायरेक्टर रिसर्च की हेड है। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने नए कुलपति की नियुक्ति की है। 4 दिन पहले कुलाधिपति ने आगरा विवि का निरीक्षण किया था। उन्होंने प्रभारी कुलपति से विवि की छवि को लेकर नाखुशी भी जताई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले पुलिस की पूछताछ में आरोपी पुलकित ने कबूल किया था कि उसने ही अंकिता को नहर में धक्का दिया था, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई थी। ये पूरा मामला यमकेश्वर प्रखंड के गंगा भोगपुर का है। यहाँ हरिद्वार के बीजेपी नेता विनोद आर्य का रिजॉर्ट बना था। इस रिजॉर्ट में ही अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम कर रही थी। युवती के पिता ने रिजॉर्ट मालिक बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य पर अपहरण का शक जताया था। वहीं घटना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां अंकिता हत्याकांड में विवादित टिप्पणी करने वाले आरएसएस के कथित नेता विपिन कर्णवाल के खिलाफ रायवाला थाने में मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोग अभी भी नाराज हैं। स्थानीय लोगों ने विपिन कर्णवाल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने विपिन कर्णवाल की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। इसी के साथ लोगों ने विपिन कर्णवाल के रायवाला स्थित संपत्ति और बैंक खातों की जांच करने की मांग भी उठाई है। लोगों का आरोप है कि रायवाला में सरकारी भूमि पर कब्जा कर विपिन कर्णवाल ने आलिशान कोठी बनाई है। कि जब कहीं एक केरल में हथनी की मौत हुई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में बवंडर मचा दिया, और जब आज हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई तो छुटबैये नेताओं के मुंह में भी दही जमी हुई है भारतीय जनता पार्टी के। कल एक महिला मोर्चा ऋषिकेश की पदाधिकारी को पार्टी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज उठा रही थी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी हो और विपिन कर्णवाल की अविलंब गिरफ्तारी हो, उसकी संपत्ति की भी जांच हो। खबर पौड़ी से है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान निर्देश के दूसरे सीडीएस बन चुके हैं। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। गांव के लोगों में सेना प्रमुख बनने की खबर सुनने के बाद से ही खुशी का माहौल है। बीते कुछ सालों में पौड़ी जिले ने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। इस जिले के वीर सपूत देश की सेना और सेवा में सर्वोच्च पदों पर काबिज है। इनमें एक और नाम जुड़ गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का। जो श्री अनिल चौहान जी जो आज सीडीएस पद पर कार्यरत हैं, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि एक इतने छोटे से गांव से मतलब इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। उत्तराखंड में हाल ही में पंचायत चुनाव के रिजल्ट सामने आया है। चुनाव में शराबकांड की आरोपी एक महिला प्रत्याशी की भी जीत हुई है। वह सिर्फ 1 वोट से जीती है। हालांकि जीत का जश्न मनाने के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 9 सितंबर को पथरी में
शराब कांड में 6 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस मामले में महिला को आरोपी बनाया गया था। बबली देवी नाम की यह महिला फरार चल रही थी। महिला पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने गांव में अवैध शराब बांटने का आरोप लगाया गया था। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, पथरी पुलिस स्टेशन से एक टीम गांव पहुंची और बबली देवी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बबली देवी, उसके पति विजेंद्र कुमार और उसके भाई नरेश के खिलाफ 11 सितंबर को थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।